आज ईद का दिन फाइनली आ गया है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी तकबीर की। जो फजर की नमाज़ के बाद से जब तक सूरज नहीं निकलता है, जब तक जो ये तकबीर दी जाती है, और सूरज निकलते ही यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ा दी जाती है। तो बस अब मैं उठ गया हूँ, नमाज़ मैं जल्दी से पढ़ूंगा फजर की। अरब की सारी कंट्रीज़ में सूरज निकलने से पहले ही, जैसे ही पहली किरण निकलती है, यहाँ पे ईद की या बकरीद की दोनों नमाज़ें पढ़ा दी जाती हैं। बट इंडिया पाकिस्तान में नमाज़ें अलग अलग टाइमिंग पे होती हैं, कहीं 9 बजे होती है सुबह के, कहीं 10 बजे होती है, कहीं 8 बजे होती है। तो यहाँ वहाँ की टाइमिंग में बहुत फ़र्क है, यहाँ बहुत जल्दी उठना पड़ता है नमाज़ के लिए। तो चलिए जल्दी से नहा लेते हैं और नमाज़ की तैयारी करते हैं। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और कपड़े भी पहन लिए माशाल्लाह से, और अब नमाज़ की तैयारी करते हैं, चलते हैं नमाज़ पढ़ने। फिर इंशाल्लाह बाहर के भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। मेरा घर जो है एकदम मस्जिद के सामने है, जिसकी वजह से आपको तकबीर की आवाज़ें अभी तक आ रही होंगी। मेरे ख्याल से 5 मिनट रह गए हैं सूरज निकलने में, 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के बीच में ही नमाज़ हो जाएगी। मास्क पहन लिया है मैंने, अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने। बग़ैर मास्क के जो है बाहर एंट्री नहीं है, अगर बग़ैर मास्क के कोई बाहर मिलता है तो 1000 रियाल का पेनल्टी है। तो चलिए चलते हैं, डोर भी लॉक कर देते हैं। आप लोगों को ये डोर कैसा लग रहा है बताइएगा मुझको। मस्जिद फुल हो गई है, और जिसकी वजह से लोगों को जहाँ पे भी जगह मिल रही है वहाँ पे मुसल्ला बिछा के नमाज़ का वेट कर रहे हैं। और आपको ये खजूर के पेड़ कैसे लग रहे हैं बताइएगा। अभी भी लोग नमाज़ के लिए आ रहे हैं माशाल्लाह, मस्जिद फुल हो चुकी है। अब आई थिंक लोग रोड के ऊपर जो है मुसल्ले बिछा के नमाज़ पढ़ेंगे, देखते हैं। अब तो रोड के ऊपर भी जगह फुल हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ ख़त्म हो गई है। अब हम लोग सब वापस जा रहे हैं। ईद मुबारक। सबको सबको ईद मुबारक। ओए गुड्डू, ओए गुड्डू, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है चिकन का कौरमा बनेगा और मटन की बिरयानी बनेगी। चिकन को मैरिनेट कर लिया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है और रायता भी बन गया है। कुकर में मटन की अखनी बन रही है और यहाँ पे चिकन भी फ्राई हो रहा है, देख सकते हैं आप, अच्छे से भुन गया है। कौरमे का मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ पर बिरयानी बन रही है। लेट मी करेक्ट यू, ये सारी चीज़ें मेरी वाइफ बना रही है। तो बिरयानी हो गई है रेडी, आप लोगों को दिखाते हैं बिरयानी। कैसी लग रही है आप लोगों को, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये दही की फुलकियाँ बन गई हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दही बड़े भी बन गए हैं। दही बड़े किसको किसको पसंद है वो भी बताइएगा, मुझको तो दही बड़े बहुत पसंद है क्योंकि ये थोड़े मीठे होते हैं, मीठी चीज़ें सभी को ज़्यादा पसंद होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी गेस्ट आ गए हैं और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है और अभी काफ़ी बातें हम लोग ने करी हैं। और ये जो बीच में बैठे हैं ये हमारे वहाब भाई, इनकी शादी होने वाली है माशाल्लाह, बहुत जल्द ही इंडिया जाने वाले हैं। पहले मुंह का तो खाओ, तुम फंसा लोगी बेटा, मुंह का पहले खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सभी डिशेस बहुत अच्छी बनी थी।
इन लोगों ने खाना कुछ भी नहीं खाया, बहुत कम खाना खाया है, जिसकी वजह से काफ़ी खाना बच गया है। तो खाना हो गया है और बाकी लोग चले गए हैं अभी। तुम कहाँ जा रही हो? अरे कुर्सी तीन टापड़ा लेके कहाँ चली? बैठ जाओ कुर्सी में, बैठो अंदर जाओ कुर्सी लेके। बस बहुत हो गया फिर तुम्हारा। रूम चेंज किया? चेंज कर दिया उसके बाद वो बैठ गया। अच्छा रूम छोटा पड़ा था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चले गए? हाँ जी, अल्लाह हाफिज। रफ़त तुम क्या कर रही हो? चलो कपड़े चेंज करो। इनको गर्म कपड़े इसलिए पहनाते हैं क्योंकि रात में एसी चलता है, इनको ठंडक ना लग जाए, बस इसीलिए। रफ़त क्या कर रही हो? रफ़त के कपड़े चेंज हो गए हैं और अब जो हैं ये सब जिगा पूरे घर में एक एक चीज़ जाके चेक कर रही हैं कि सारा सामान सही से रखा है कि नहीं रखा है। ये देखिए सारे कमरे चेक कर रही हैं। अरे बाबा टॉयलेट तो छोड़ दो। पूरा दिन तो आज हम लोगों ने सो के बिताया है और जो आने वाले थे मेहमान दो तीन लोग थे, और कोई तो था ही नहीं। मेरी वाइफ के कुछ कज़न ब्रदर थे वो आए थे, तो रात के खाने का उन लोग के साथ का प्रोग्राम था। उन लोग आए, रात में खाना खाए चले गए और दिन भर हम लोगों ने सिर्फ सोए और कुछ नहीं किया। नमाज पढ़ के आए, सोए, उसके बाद खाना पीना जो दोपहर में खाना था खाया, सोए, बस सोए और टीवी देखा, बस इसी तरीके से हम लोगों की ईद हो गई पूरी। यहाँ पे ईद की हमें जो छुट्टी मिली है वो 6 दिन की छुट्टी मिली है। देखते हैं क्या करते हैं ईद के 6 दिन की छुट्टी का। ज़्यादातर कॉर्नर जा सकते हैं, सी जाएंगे और कहाँ जाएंगे। अभी ज़्यादातर जो गैदरिंग वाली प्लेसेस हैं वो सब बंद चल रहे हैं, तो अब देखते हैं कहाँ जाना होता है, जैसा होता है आगे के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को ईद का चांद दिखाते हैं और अपने इस छोटे से ईद के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।